हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर मेडिवियल इंडिया ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का 10th मॉड्यूल पढ़ेंगे। इस मॉड्यूल में हम टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोरियंस के लिए टाइम सिर्फ घड़ी पे पासिंग ऑफ टाइम नहीं है, उनके लिए टाइम सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है और साथ ही आइडियाज और बिलीव्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको शो करता है। टाइम के स्टडी को इजियर बनाने के लिए पास्ट को लार्ज सेगमेंट्स या फिर पीरियड्स जिनकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी के बीच में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब क्या आप सोच सकते हो कि ये डिविजन्स किस बेसिस पर की गई थी? ये डिवीजन किया गया था ऑन द आइडिया दैट रूलर्स का रिलीजन ही सिर्फ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज था और ये कि इकोनॉमी, सोसाइटी या कल्चर में कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स नहीं हुए। ऐसे डिवीजन ने सब कॉन्टिनेंट की जो रिच डाइवर्सिटी थी यानी सब कॉन्टिनेंट की विभिन्नता को भी इग्नोर किया। फ्रेंड्स, कुछ ही हिस्टोरियंस हैं जो इस डिवीजन को अब फॉलो करते हैं। ज्यादातर हिस्टोरियंस इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स देखते हैं, पास्ट के डिफरेंट मोमेंट्स के जो मेजर एलिमेंट्स हैं उनको कैरेक्टराइज करने के लिए। पहले आपने एंशियंट पीरियड के लोग, ऑक्यूपेशंस, विलेजेस एंड टाउन्स और अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। अब आपने मेडिवियल हिस्ट्री पढ़ी जिसमें आपने पेजेंट सोसाइटीज, एम्पायर्स और रिलीजन के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, मेडिवियल पीरियड के जो 1000 ईयर्स थे उन्होंने बहुत से चेंजेस देखे। ये ऑब्वियस ही है क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि 9th सेंचुरी 15th सेंचुरी से कितनी अलग रही होगी। इसीलिए पूरे पीरियड को एक यूनिट जैसा रेफर करना मुश्किल होता है और इसीलिए जैसा कि हमने फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ा था, इस पीरियड को अर्ली एंड लेट मेडिवियल पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स, मेडिवियल पीरियड को मॉडर्न पीरियड से कंट्रास्ट किया जाता है, यानी दोनों को कंपेयर करके उनके डिफरेंसेस देखे जाते हैं। मॉडर्न शब्द के साथ हम मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट यानी चीजों में और नॉलेज में डेवलपमेंट इनको एसोसिएट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेडिवियल पीरियड में ऐसी एडवांसमेंट्स नहीं हुई थी। इन 1000 ईयर्स में सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटीज कई बार ट्रांसफॉर्म हुई और कई रीजन्स की इकोनॉमीज इतनी प्रॉस्परस बनी कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज यानी यूरोप से आए कंपनीज जो यहाँ ट्रेड और बिजनेस कंडक्ट करना चाहते थे वो यहाँ आकर्षित हुए। तो फ्रेंड्स, ये हमने टाइम और हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में जान लिया है। अब लेते हैं एक क्विक रीकैप। हिस्टोरियंस के लिए टाइम सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है और साथ ही आइडियाज और बिलीव्स का ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है।
पास्ट को लार्ज सेगमेंट्स या पीरियड्स जिनकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उनमें डिवाइड किया गया है। 19th सेंचुरी के बीच में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को तीन पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। आजकल हिस्टोरियंस मोस्टली इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को देखते हैं, पास्ट के डिफरेंट मोमेंट्स के मेजर एलिमेंट्स को कैरेक्टराइज करने के लिए। क्योंकि मिडिवल पीरियड में बहुत चेंजेस हुए तो पूरे पीरियड को एक यूनिट जैसा रेफर करना मुश्किल है, और इसीलिए मिडिवियल पीरियड को अर्ली एंड लेट मिडिवियल पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। मिडिवियल पीरियड को मॉडर्न पीरियड से कंट्रास्ट किया जाता है। मॉडर्निटी के साथ हम मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट एसोसिएट करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मिडिवियल पीरियड में ऐसी एडवांसमेंट्स नहीं हुई थी। इन 1000 ईयर्स में सबकॉन्टिनेंट की सोसाइटीज कई बार ट्रांसफॉर्म हुई और कई रीजन्स की इकोनॉमीज प्रॉस्परस बनी। नाउ लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। फॉर हिस्टोरियंस टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। द पास्ट इज डिवाइडेड इंटू लार्ज सेगमेंट्स पीरियड्स दैट हैव शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। In the middle of the 19th century, British historians divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim, and British. Today, most historians look at economic and social factors to characterize the major elements of different moments in the past. Because the medieval period witnessed a lot of changes, describing the entire period as one unit is difficult, and therefore this period is divided into early and late medieval periods. The medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity is often associated with material progress and intellectual advancement. But this does not mean that the medieval period did not see such advancements. During these 1000 years, societies of the subcontinent transformed often and economies in several regions became prosperous. So friends, ye tha हमारा 10th मॉड्यूल। अब टाइम है एक्सरसाइज करने का।